का है शहर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात कोरबा से कर लें। यहाँ पर लापता न्यूज एंकर सलमा की मौत का खुलासा हो गया है। मुख्य आरोपी मधुर साहू समेत तीन लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। दृश्यम फिल्म की तर्ज पर सलमा की हत्या कर दी गई थी और हत्या के बाद शव को निर्माणाधीन सड़क में दफन कर दिया गया था। घटना के 5 साल बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। कोरबा दरगी मार्ग पर कोहड़िया फोन लेन सड़क पर सलमा का शव दफन किया गया। कुसमुंडा थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर लापता न्यूज एंकर सलमा उसका शव जो है वो वहां पर बरामद हो गया है और अब आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन 5 साल लग गए इस पूरे मामले को सुलझाने में और आरोपियों की गिरफ्तारी में। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए 5 साल लग गए हैं आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर, मतलब जांच किस प्रकार से चल रही थी, इतना समय क्यों लग गया आरोपियों तक पहुंचने के लिए, ये बड़ा सवाल। ये संक्रीत देखिए, काफी लंबा समय लग गया इस मामले को सुलझाने में। पुलिस को 5 साल पहले 2018 का ये मामला है, जो कुसमुंडा में रहने वाली न्यूज एंकर जो है सलमा वो लापता हुई थी। परिजनों ने इसकी थाने में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने उस वक्त इसको मामले गंभीरता से नहीं लिया और इसी वजह से इतना लेट हुआ है। फिलहाल अब ये मामला फिर से रिओपन करने के बाद, कुछ माह पहले पुलिस ने एक संदेह को उसमें गिरफ्तार किया था और संदेह गिरफ्तार करने के बाद उसने इसी जहां पर हम खड़े हैं वहां पर देखिए पीछे जो सड़क नजर आ रही है, यही पुलिस सड़क है जो 5 साल पहले निर्माणाधीन थी और इसी सड़क के नीचे सलमा को मार कर दफना दिया गया है। और पिछले दिनों जब तीसरे नंबर के जो आरोपी है उसकी हिरासत में लिया गया, तो उन्होंने उस आरोपी ने इसी लोकेशन को बताया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ माह पहले गड्ढा खोद कर जो सलमा के कंकाल की तलाश करने के लिए यहाँ पर 10 से 12 फीट का गड्ढा खोदा गया था और यहाँ पर जो वो गर्भी विशेषज्ञ है उनकी मदद ली गई थी, लेकिन उस दौरान पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगे और पुलिस हाथ खाली रहे। इसके बाद पुलिस ने नए एंगल से इस मामले की जांच करना शुरू कर दिया और इस मामले में जो दो आरोपी मुख्य आरोपी जो है मधुर साहू जो उनके प्रेमी थे उनकी तलाश हमें पुलिस छूट गई है। और पिछले दिनों पुलिस ने दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है और जो पिछले दिनों जो जो यहाँ के CSP है रॉबिन्सन उन्होंने यहाँ पर की जो सेटेलाइट से पिक्चर मंगाई थी उस पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं पेड़ के बगल निर्माणाधीन जब सड़क थी तो यहाँ पर एक पेड़ हुआ करता था। तो आरोपी तीनों आरोपी हैं उनसे अलग अलग पूछताछ की गई तो उन्होंने भी साफ तौर पर यहाँ पर वही तस्वीर जो वहाँ पर एक पेड़ हुआ करता था उसके बारे में जिक्र किया है। तो फिलहाल अब पुलिस के सामने यह तय हो चुका है कि इसी रोड के नीचे जो है सड़क के नीचे सलमा की बॉडी को दफनाया गया है। अब पुलिस इस रोड को की खुदाई करने की तैयारी कर रही है। आप देख सकते हैं अभी से इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया है और आने जाने में प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन हमने जो CSP से पुलिस से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इसमें फोर से अनुमति लेनी पड़ेगी क्योंकि 4 लेन सड़क है तो कहीं ना कहीं कुछ दिनों का वक्त लगेगा। लेकिन अब पुलिस के हाथ तीनों आरोपी लग चुके हैं जिसमें बड़ी बेरहमी से सलमा को मौत के घाट उतार कर स्तंभ फिल्म स्ट्रक्चर पर निर्माणाधीन इस सड़क के नीचे दफन कर दिया था। अब पुलिस इस रोड को की खुदाई करने की तैयारी कर रही है, फिलहाल कोर्ट की अनुमति की जरूरत है। जी चलिए लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।